60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर झूठवादी पार्टी भी है। अब आप देखिए, यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, और लोग भूले नहीं कि ये झूठवादी पार्टी, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी, और इसलिए इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है उससे बराबर भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ लिए हैं। हम छोटे थे तो एक कथा सुना करते थे, और कथा बड़ी मजेदार थी। वो कथा ऐसी थी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरी के लिए अस्पताल में गई और बेटे का जन्म हुआ, लेकिन जो नर्स वो डिलीवरी करवा रही थी वो ढूंढने लगी चारों तरफ, उसकी अंगूठी कहीं खो गई थी। वो रोने लगी, अरे मेरी अंगूठी कहाँ गई, अंगूठी कहाँ गई। अब बेटे का जन्म हुआ लेकिन वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता था, तो डॉक्टरों को चिंता हुई, इस बच्चे की मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही है, अभी तो पैदा हुआ है। डॉक्टरों ने बड़े तरीके से उसकी मुट्ठी खोली तो अंगूठी उसकी मुट्ठी में थी। तो लोगों ने कहा ये बच्चा पैदा होते ही चोरी करता है, तो पता चला उसका बाप बहुत बड़ा चोर था, बड़ा डाकू था, तो जन्मजात ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से एक कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। और इसलिए कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे, ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं।